तो आज हम लोग एक मिशन पे, मिशन इज टू फाइंड द टॉप 10 प्लेसेस इन पटना टू ईट। ये वीडियो काफी सब्जेक्टिव होने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे को पसंद आए वो आपको भी पसंद आए। किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ और। तो पहले ही से सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस दैट वी आर गोइंग टू मिस आउट ऑन वन और टू ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस इन दिस वीडियो। सॉरी भाई। मेरे एक हाथ में है पटना का मैप, हैंड ड्रॉन है, स्टेशनरी शॉप पे ढंग का मैप मिला नहीं तो ऐसे ही बना लिए, और दूसरे हाथ में है लिस्ट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम लोगों को जाना है सारे स्ट्रीट फूड चेक करने के लिए। ये लिस्ट बनाना आसान काम नहीं था। ह्यूज थैंक यू टू बशार जिसने मदद की है इस लिस्ट को फाइनलाइज करने में। बशार को तो आप लोग जानते ही होंगे, ही इज द फाउंडर एंड एक्स सीईओ ऑफ पटना बीट्स। आजकल अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। साथ साथ अनुपम जो की हैं सासाराम से और प्रीति जो की हैं पटना से, उन्होंने बहुत हेल्प की है इस वीडियो को कंप्लीट करने में। बिना उनकी मदद के ये वीडियो कंप्लीट करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑलराइट, तो अभी हम लोग हैं गायघाट के पास, और सबसे पहले हम लोग को जाना है पटना सिटी घुगनी कचौरी खाने। जिस दुकान के पास हम लोग जा रहे हैं वो पटना सिटी चौक के पास है, और अगर आपको नहीं मालूम कि चौक कहाँ है तो आप पटना साहिब के पास आ जाइए, कचौरी की दुकान वही पास में है। दुकान का नाम है नंदू जी कचौरी वाले। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वहाँ दुकान का नाम लेट नंदू लाल कचौरी वाले नजर आएगा। लकीली जिस वक्त हम लोग पहुंचे उस वक्त दुकान पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो बिना वेट किए हम लोग को कचौरी और घुगनी मिल गई। बड़ी पुरानी दुकान है, 110 का दुकान है। पिछले 110 साल से लोग यहाँ कचौरी खा रहे हैं। पहले नंदू जी खिलाते थे और अब उनके भतीजे केदार प्रसाद खिला रहे हैं। और दाम की बात करें तो दो कचौरी और घुगनी का टोटल कॉस्ट आया 10 रुपीज। कचौरी घुगनी खाने के बाद हम लोग पटना सिटी से बढ़े महेंद्रू की तरफ। लिस्ट में अगला स्टॉप एक मशहूर लस्सी की दुकान पे था। पीछे लवली लस्सी, हम लोग पहुंच गए उसके पास। देखने में नहीं लगता कि लवली लस्सी लगभग 50 साल पुरानी दुकान है। 1975 में ये दुकान स्टार्ट की गई थी, और उस वक्त एक लस्सी का ग्लास का कॉस्ट सिर्फ 1 रुपया था। आज आपको एक ग्लास 30 या 40 रुपए में मिल जाएगा, डिपेंड्स आप शीशे के ग्लास में पी रहे हैं या फिर एक कुल्हड़ में पी रहे हैं। लिस्ट में अगला स्टॉप है पटना मार्केट। पटना मार्केट की एंट्री पे ही एक चाट की दुकान है। ऐसे तो यहाँ पे भी हर वक्त भीड़ रहती है, बट गर्मी इतनी ज्यादा है कि मेरे अलावा और कोई नहीं है। चाट बन रहा है क्या? लाजवाब, बचपन से खाते चले आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक प्लेट आलू टिक्की चाट आपको 40 रुपए में मिल जाएगी। पटना मार्केट के बाद अगला स्टॉप है सब्जी बाग। ऐसे तो सब्जी बाग में बहुत कुछ मिलता है, बट हम लोग खास तौर पे आए हैं अमावट के लिए। कॉर्नर पे ही ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान है जहाँ अमावट इजीली मिल जाता है। आधे किलो अमावट का कॉस्ट है 80 रुपीज। जनरली तो इन सब चीजों का दाम फिक्स होता है, बट कभी कभार थोड़ी बहुत बार्गेनिंग चल जाती है। 300 नहीं काट देंगे, काट देंगे। सब्जी बाग के बाद हम लोग सीधे बढ़ गए मौर्या लोक की तरफ। मौर्या लोक स्ट्रीट फूड का एक हब बन चुका है। हर स्टाइल का स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इन सब की शुरुआत हुई थी एक फूड ट्रक से। 1986 में बंजारा फूड ट्रक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उस वक्त पटना के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, और क्योंकि बंजारा का खाना भी अच्छा है, इसको फेमस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ऐसे तो मेनू में बहुत सारे आइटम्स हैं, बट सबसे फेमस है इनकी चाउमीन, जो कि आपको 100 रुपीज में मिल जाएगी। बंजारा के बाद अगला नंबर था गुप्ता जी की पानी पूरी का। हरिनिवास कॉम्प्लेक्स और मौर्या लोक के बीच में जो रोड है, उसी के कॉर्नर पे गुप्ता जी अपना स्टॉल लगाते हैं। इनकी एक प्लेट होती है 20 रुपीज की, जिसमें 5 फुचका होता है, और फुचके का साइज भी ठीक ठाक बड़ा होता है। हम लोगों ने शायद ही इससे बड़ा फुचका कहीं और खाया होगा। गुप्ता जी के यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा मूंग दाल का चिल्ला। गर्मा गर्म फ्रेश आपकी आंखों के सामने चिल्ला बना के चटनी के साथ सर्व करते हैं भैया, और एक प्लेट का कॉस्ट है 40 रुपीज। बढ़िया है ना प्रीति। मौर्य लोग की लिस्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ गए महावीर मंदिर की तरफ। महावीर मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो पटना रेलवे स्टेशन चले जाएं, आपको खुद ब खुद महावीर मंदिर नजर आ जाएगा। हम लोग महावीर मंदिर आए हैं नवेद्यम खाने। 3 डिफरेंट वेट ग्रुप्स में नवेद्यम यहाँ मिलता है, 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स और 1000 ग्राम्स, यानी कि 1 किलो। हम लोगों ने 250 ग्राम्स चूज किया, जिसका कॉस्ट था 75 रुपीज। हमने पहले टोकन खरीदा, फिर उस टोकन से नवेद्यम लिया। नवेद्यम खाने के बाद हम लोग बढ़ गए लिट्टी खाने।
वहीं पास में एक पुरानी लिट्टी की दुकान है जिसका नाम है चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान। ये दुकान फर्स्ट फ्लोर पे है और आपको एक प्रॉपर ढाबे की फील देती है। यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने दो लिट्टी ऑर्डर की जिसका कॉस्ट था 24 रुपीज। लिट्टी खाने के बाद हम लोग बढ़ गए प्लानिटेरियम की तरफ मटन हांडी ट्राई करने। चंपारण मीट हाउस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं पटना में, बट सुनने में आता है कि प्लानिटेरियम के पास वाली सबसे अच्छी है। मट्टी के बर्तन में यानी हांडी में मटन को स्लो कुक किया जाता है और फिर सर्व करने से पहले हांडी को खूब हिलाया जाता है ताकि मसाला वगैरह ठीक से मिक्स हो जाए। वैसे मटन हांडी का कॉस्ट है 120 रुपीज पर प्लेट, बट हमसे भाई साहब ने कोई पैसे नहीं लिए। चंपारण मीट हाउस के बाद हम लोग बढ़ गए हरिनिवास कॉम्प्लेक्स के पास, बट रोड के ऑपोजिट साइड राइट साइड कॉर्नर पे एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है स्वीट होम। अगर आज तक आपने यहाँ मोतीचूर लड्डू ट्राई नहीं किया है तो प्लीज जरूर ट्राई करें। पूरी दुनिया में इससे अच्छा लड्डू शायद कहीं नहीं मिलता होगा। बचपन से खाते आ रहे हैं। लड्डू खाने और कुछ मिठाइयाँ पैक करवाने के बाद हम लोग निकल गए ओल्ड म्यूजियम रोड पे खाजा और अनरसा ट्राई करने। खाजा खाजा ये इतना बढ़िया कि बस खाजा। हम लोग अभी खा पी ही रहे थे कि मौसम खराब होने लगा। कहीं भागना होगा भैया तो हम लोगों को भी बता दीजिए। अब हम चलेंगे बोरिंग रोड जहां हम लोग दो आखिरी चीजें टेस्ट करने वाले हैं। पहला है कटलेट और दूसरा है लिट्टी और मुर्गा। बोरिंग रोड में हरिलाल के ऑपोजिट बहुत सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगे हुए हैं। इनमें से एक स्टॉल है लिट्टी चिकन का। स्टॉल का नाम है संजय चिकन लिट्टी कॉर्नर और पिछले 40 साल से यहाँ लिट्टी चिकन मिल रहा है। एक प्लेट लिट्टी चिकन यहाँ 70 रुपीज की होती है जिसमें दो लिट्टी और एक पीस चिकन रहता है। फुल चूजे का भी ऑप्शन है जिसका कॉस्ट है 120 रुपीज। प्याज व्याज धनिया पत्ती और चाट मसाला छिड़क के इसको सर्व किया जाता है। लिट्टी चिकन के बाद हम लोग बढ़ गए कटलेट की तरफ। कटलेट वाली दुकान वहीं पास में क्वालिटी कॉर्नर स्वीट शॉप के पास है। चिकन फिश मटन वेज पनीर हर टाइप का कटलेट यहाँ अवेलेबल है। बहुत एफिशिएंटली कटलेट को बैटर और क्रम्स में लपेट के रेडी किया जाता है और फिर गर्मा गर्म तेल में डीप फ्राई किया जाता है। अपने पेट की जगह देखते हुए हम लोगों ने एक दो ऑप्शंस का ऑर्डर दे दिया। सर एक मटन चिकन और एक फिश कटलेट। लिस्ट में दो चार जगह और थी जहाँ पे जाना था, बट ना अब वक्त बचा है ना ही पेट में जगह। तो अब अगली बार जब यहाँ पे आएंगे तो वो उन सारी जगहों को कवर करेंगे। अगर आपको मालूम है कि कहाँ और जाना चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कहाँ जाएं। अगली बार इंशाल्लाह उसको जरूर कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक यहीं कहीं वीडियो में ऊपर में कहीं पर डाल देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।